बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द वर्किंग एरिया ऑफ एम एस एक्सेल इज कॉल्ड शीट। शीट कंसिस्ट रोज एंड कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं और आपकी हॉरिजेंटल लाइंस को रो कहा जाता है। कॉलम और रो जिस जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं इसको हम सेल कहते हैं। क्रॉस हेड है। क्रॉस हेड पे क्लिक करने के बाद हमारी पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। आप अपनी मर्जी से कॉलम्स का साइज छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, आप रो का साइज छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। आपने जस्ट सिलेक्ट करनी है और होल्ड रखना है माउस के बटन पे और उसके बाद उसको कर देना, तो आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगी। आपने इसको क्लियर करने के लिए यहाँ से जस्ट क्लिक करके इसको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास एक शीट बन चुकी है जिसे ग्राफ पेपर भी कहते हैं। लेकिन हमारे पास ये बहुत ज़्यादा गहरा है, हमें इसे हल्का सा कम करने के लिए, इसका बॉर्डर को कम करने के लिए हम यहाँ पर इसी के अंदर से सिलेक्शन देंगे अपनी मर्जी की। जब अपनी मर्जी की सिलेक्शन देंगे बॉर्डर्स के, बॉर्डर सिलेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास इसके ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि जिनको हम अपनी मर्जी से कलर्स और तमाम चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। तो हम लोग सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस वन प्रेस किया शॉर्ट कीज़ की मदद से। जैसे ही कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर्स पे चला जाऊँगा और बॉर्डर्स पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक इंतहाई हल्का सा कलर जो है ग्राफ पेपर हमने बनाना है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से बिल्कुल बारीक सी लाइन जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, आउटर भी और इनर भी। ये आपके पास इसकी सिलेक्शन हो गई है, आपने जस्ट क्लिक करना है इस पर। ये आपके पास इस अंदाज से ग्राफ पेपर आपका सिलेक्ट होके आ चुका है। ये ग्राफ शीट्स जो है ये आपकी बन चुकी है। आप फिर यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसका कोई कलर देना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ कलर देना चाहते हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर कुछ इस अंदाज से आ जाएगा। आप इसके फुली ब्लैक कलर देना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप रेड करना चाहते हैं, आप ग्रीन करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, कोई सा भी कलर जिसकी आपको डिमांड दी जाती है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस अंदाज से आ जाएगा।